भी देख सकते हैं, वो बताता है कि आपको आपका ये जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो क्या है। तो ये पहली बार हुआ है कि हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी के साथ कोशिश की है कि आपको ये डेटा पहुँचाया जाए। इसमें मज़ीद बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और इंशाल्लाह वो मज़ीद बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में। ज़्यादा स्टेशन लगाए जाएंगे, इन स्टेशन में बेहतर मशीनरी लगाई जाएगी ताकि हम बेहतर तरीके से इस मसले को मॉनिटर कर सकें। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमने मॉनिटरिंग के साथ साथ इसके तदारक के लिए क्या किया। तो तदारक के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर मीटिंग्स बुलाई और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने खसूसी दिलचस्पी ली, बल्कि उन्होंने परसों भी मुझे बुलाया हुआ था और उन्होंने बताया कि आज ये मसला बड़ा बहुत सीरियस मसला है और इसको हमने लॉन्ग टर्म में इसको एड्रेस करना है। तो उसके लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए, जो सोर्सेज जहाँ से ये पोल्यूशन निकलती है उनमें भट्टे भी हैं, उनमें स्टील मिल्स भी हैं, उनमें गाड़ियाँ भी हैं, उनमें कोल का आपका प्लांट भी है और उनमें वो धुआं भी है जो इंडिया से आता है। तो ये वो चार पांच जगह हैं जहाँ से ये धुआं पैदा होता है और फिर ये मसला बनता है। तो इसके लिए हमने उन तमाम को एड्रेस करने की कोशिश की। भट्टे मालकान के साथ मिलकर हमने मीटिंग्स की और एक रेड जोन बनाई जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट से जिसमें लाहौर भी शामिल था, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर भट्टों को बंद कर दिया गया और ये तकरीबन 2 महीने वो भट्टे जो हैं वो बंद रहे हैं। आज उसका आखिरी दिन था जो स्टॉपेज था भट्टों का, और उसको हमने मॉनिटर भी किया है और तकरीबन 4000 चलान शायद किए हैं वहाँ पर इन भट्टा मालकान को, जो जिन्होंने गलत फ्यूल इस्तेमाल किया, कहीं टायर को जला रहा था उसको उसका नोटिस दिया गया है। और तकरीबन 350 भट्टों को बंद किया जाकर जो कि गलत तरीके से गलत फ्यूल के साथ चला रहे थे, और उसके साथ साथ हमने उनको एक ऑल्टरनेट जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है जहाँ पर कमी आती है। अब आपको सबसे ज़्यादा एक आप मोटरवे पे आएँ तो शेखुपुरा के पास, अगर आप इस्लामाबाद से आएँ तो राइट साइड पे एक भट्टा लगा हुआ है जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे लगा हुआ है। जी आप उसको देख सकते हैं, उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो किस रंग का है, कैसा धुआं है, उसको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी है और इंशाल्लाह तकरीबन 10,000 भट्टा है पंजाब में और हम इनको तमाम को इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर। और उसके लिए हम एक पैकेज भी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट बैंक के साथ मिलके ताकि उनको सब्सिडी दी जाए और वो इसको कन्वर्ट कर सकें। और हमारा टारगेट है कि अगले साल के आखिर और 2020 के शुरू तक हम इन तमाम भट्टों को कन्वर्ट कर दें ज़िगज़ैग के ऊपर। दूसरा मसला आपका आ जाता है स्टील मिल्स का। यहाँ पर शहर के अंदर छोटी स्टील मिल्स लगी हुई हैं लाहौर के अंदर, उनके ऊपर स्क्रबर नहीं लगे हुए थे, वो धुआँ काला वो भी फेंकती थी यहाँ पर शेखुपुरा के अंदर लाहौर के अंदर। तो उनमें से अब 70% के ऊपर स्क्रबर लगाए जा चुके हैं और वो जो कई उनमें से बंद भी की गई उनको भी नोटिस, 3000 नोटिस स्टील मिल को गए, उनमें से तकरीबन जो है आपकी 750 ये छोटी स्टील मिल्स को सील किया गया और उनको कहा गया कि आप स्क्रबर लगाएं, और इसी का नतीजा है कि आज 70% उन्होंने वो स्क्रबर लगा लिया है और इंशाल्लाह अगले साल तक आखिर तक हम इन तमाम को स्क्रबर्स के ऊपर लगाएंगे, जो स्क्रबर पे नहीं होगी वो नहीं चल सकेगी। तीसरा आपका मसला ये था कि आपके जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप को जलाते हैं, खुसूसन जो आपके राइस की क्रॉप है वो जलाते हैं, उसकी वजह से ये मसला पैदा होता है। ये इंडिया में भी हो रहा है जहाँ पर भी होता है। हमने उस पर इस साल 144 सेक्शन लगाया, वो मुश्किल एक कदम था क्योंकि उसका एक ऑल्टरनेट हम नहीं दे सके, टाइम नहीं था हमारे पास कि फार्मर को हम एक ऑल्टरनेट दें उसका, लेकिन हमने फिर भी वो लगाया, इसलिए लगाया कि उसके धुएँ से बहुत सारा असर पड़ता है लाहौर की स्मॉग पर, और तकरीबन 600 के करीब FIRs काटी गई ताकि वो क्रॉप बर्निंग से हट सकें। इंशाल्लाह अगले साल में हम फार्मर्स को एक ऑल्टरनेट तरीका भी देंगे ताकि उसमें हुकूमत, मेरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है लंगड़ियाल साहब से, और वो एक ऑल्टरनेट तरीके के तहत उस क्रॉप को उसको रोटावेट कर दिया जाता है सॉइल के अंदर ही। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम उठाएंगे ताकि उनको इससे भी रोका जाए लेकिन उनके मसले को भी समझा जाए। तो और ये इसमें हम इंडिया के साथ भी मॉनिटर कर रहे थे कि इंडिया में कितनी क्रॉप बर्निंग हो रही है, पाकिस्तान में कितनी हो रही है, तो वो सैटेलाइट के जरिए नजर आया है, वो कि छुपी हुई बात नहीं है कि तकरीबन 85-90% क्रॉप बर्निंग जो है वो इंडिया में हुई है और पाकिस्तान में बहुत कम हुई है सर बनिस्बत 2017। फिर आपका मसला आ जाता है गाड़ियों का, जो गाड़ियां आपकी सड़क के ऊपर है इन सब का धुआं होता है, उसमें हमने जो धुएं वाली गाड़ियां उनके ऊपर हमने आपको यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि हमने
एक डिसीजन लिया कि धुएं वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा और 18,000 गाड़ियों का चलान किया गया, तकरीबन 85 लाख रुपया उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आया, लेकिन साथ साथ उनकी सिम्ट सही करने के लिए ताकि वो ये धुएं वाली गाड़ियां सड़क से हटाए। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेजर था। ये एक ऐसा इश्यू है जो गाड़ियों वाला है कि इसमें हमने मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए हमें वो स्टेशन लगाने की जरूरत है जो गाड़ियों का हेल्थ चेक करें, और ऐसी गाड़ियां जो आपको हर साल एक सर्टिफिकेट गाड़ियों का मिले और उस सर्टिफिकेट के साथ ही आप गाड़ी सड़क पर चला सकें। ये तमाम दुनिया में ये निजाम राइज है और उसके ऊपर हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको इंशाल्लाह पूरे पंजाब में हमने लेकर जाना है और उसके लिए बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को कैसे लेकर आना है, किस तरीके से इसको हमने तमाम पंजाब में फैलाना है और तमाम गाड़ियां पंजाब में वही चलें जो कि हेल्दी गाड़ियां हैं, जो कि धुआं नहीं देती। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आप मजीद काम करेंगे आगे आने वाले दिनों में। फिर आखिरी जो आपका मसला है और एक फ्यूल क्वालिटी का, गाड़ियों के साथ एक और मसला ये है कि जो हमारी जो गाड़ियों का फ्यूल डल रहा है वो बड़े लो क्वालिटी का है जो हम बाहर से मंगाते हैं। उस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ भी बात की है, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है कि उस फ्यूल को तब्दील करने की जरूरत है, बेहतर क्वालिटी का फ्यूल गाड़ियों में डालने की जरूरत है, और अगर बेहतर क्वालिटी का फ्यूल होगा गाड़ियों की अच्छी ट्यूनिंग होगी तो फिर धुआं कम होगा। तो ये कदम इंशाल्लाह उठा रहे हैं और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी जाएं और उसके सिलसिले में हम स्टडी करवा रहे हैं। पिछले हफ्ते जो दुनिया का डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, वो अबू धाबी में उनका ऑफिस है, वहां से यहाँ पाकिस्तान आए हुए थे और उनके साथ मिलकर हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि पाकिस्तान को हम कैसे, क्योंकि ये यूरो 1, 2, 3, 4 तो चल रहा है, अभी हम 2 पे हैं, हमें 5, 6 पे होना चाहिए यूरो, लेकिन इस सब को अब लीप फ्रॉग कर सकते हैं क्योंकि दुनिया जा रही है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। तो हमें जरूरी नहीं कि हम 2 से पहले 3 पे जाएं, फिर 4 पे जाएं, फिर 5 पे जाएं, हम इस सब को जम करके सीधा इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास वो मार्केट है जिससे ये फिजिबल होता है प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह उस पर भी हमने सोच विचार शुरू कर दिया है और कोशिश करेंगे कि उसका कोई ना कोई पायलट लाहौर में शुरू किया जाए, खसूसन रिक्शों के ऊपर इलेक्ट्रिक रिक्शा को कम से कम यहाँ पर स्टार्ट किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक किया जाए और फिर गाड़ियों को भी किया जाए। तो उसके ऊपर एक प्लानिंग हमारी चल रही है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी तो पाकिस्तान को सीधा 21वीं सदी के इस टेक्नोलॉजी में लेकर जाए और उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी इस मौत पर और आपके जो ये धुआं है इसके ऊपर। फिर एक आपका जो इंडिया के साथ है मसला के इंडिया से धुआं यहाँ पे आता है, तो इस बार अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, हमारी नीयत साफ थी, हम चाहते थे कि लाहौर में स्मॉग कम हो, 2 अच्छे टाइम पे बारिशें हो गई और अभी मुझे सर्जी साहब दिखा रहे थे धुएं का रुख जो इंडिया की तरफ है, इंडिया से भी आता धुआं, तो विंड डायरेक्शन जो है वो इस किस्म की रही कि यहाँ से अगर कोई जो विंड थी वो इंडिया की तरफ जा रही थी, वहां से इधर नहीं आ रही थी। तो ये अगर आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, हमारी भी मदद अल्लाह ताला ने इसमें की है, लेकिन आने वाले सालों के लिए हमें जरूरी है कि इंडिया के साथ इस पर डायलॉग किया जाए, ताकि बताया जाए कि अगर हम ये सारे इकदाम उठा रहे हैं तो वो भी उठाएं और अगर नहीं उठाते तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जाए। और इसको मैं पोलैंड गया हुआ था, वहां पर भी मैंने ये बात की, उनके जो नुमाइंदे थे उनसे भी बात हुई कि भाई ये आपका और हमारा ये पोल्यूशन जो है ये बॉर्डर नहीं देखती, ये नहीं देखती कि इंडिया खत्म हो गया, पाकिस्तान आ गया तो रुक जाओ। तो इसलिए हमें इस मसले के ऊपर डायलॉग करने की जरूरत है और इस मसले का हमें अगर हम यहाँ पे हल कर रहे हैं तो उनको भी हल करने की जरूरत है क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों की आवाम का मसला है। यहाँ पर एक डस्ट का भी इशू है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का आपका जो सिस्टम है वो आपकी इस किस्म का होता है, यहाँ पूरा शहर उखाड़ दिया गया था ऑरेंज ट्रेन के नाम पे और वो पूरा शहर उखाड़ के उसके डस्ट का कोई इंतजाम नहीं किया गया, वो आज भी शायद उसकी डस्ट कर रही है हवा के अंदर। तो वो डस्ट का एक सिस्टम होता है दुनिया में, आप देखें कहीं जो बाहर जाते हैं मवाले के वो जब कोई बिल्डिंग गिराते हैं तो उसका पूरा एक प्लास्टिक के साथ वो कवर करते हैं ताकि वो डस्ट बाकी लोगों के लिए मुजरे से ना बने। तो इंशाल्लाह वो उसको भी देख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन लॉज में अगर कोई तब्दीली करनी पड़ी तो वो भी करेंगे ताकि इस इश्यू को भी हल किया जा सके। तो आप ये आप सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमीशन भी बना दिया है डॉक्टर परवेज हसन साहब की सरबराही में जो एयर और वाटर पोल्यूशन को देखेगा, उसके साथ हमारा पूरा तावन है, हमारी एक मीटिंग भी हो चुकी है उनके साथ। तो इंशाल्लाह ये तमाम अदारे मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि
इस मसले को, लाहौर के इस मसले को हम इसका तदारक भी कर सकें और इसके आने वाले दिनों में इसको कम भी कर सकें। और आज की इस मीटिंग का मकसद सिर्फ यही था कि आपको बताया जाए कि ये हुकूमत इस मसले का एहसास करती है, एहसास रखती भी है, इसके लिए अमली इकदाम कर भी करें किए भी हैं 100 दिन में और आइंदा आने वाले 5 सालों में भी करेंगे इंशाल्लाह, इसकी प्लानिंग भी हमारी जारी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि 5 साल बाद जब हम जाएं तो लाहौर को इस मसले से हम टोटल निजात दिला कर जाएं। बाकी इस साल हम वो डेटा भी मंगा रहे हैं कि जो हेल्थ हमारे, मुझे कई डॉक्टर मिले हैं जो लंग्स के डॉक्टर हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस साल अस्थमा के पेशेंट और भी कम आए हैं, हम वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और आपसे शेयर करेंगे। और बाकी इंशाल्लाह जितना आपको पता है कि इस साल बहुत बेहतर रही है लेकिन इसमें मजीद बहुत बेहतरी की जरूरत है और हमें इसका एहसास है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी प्लानिंग के साथ इस मसले का पता लगाएंगे। सर ये बताइए इस वक्त क्या लाहौर में स्मोक है और दूसरा 2-3 दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिपोर्ट आई कि लाहौर की दीवार टूट रही है, तो उससे कॉम्पेयर करती हुई हमारे महकमा माहौलियात की रिपोर्ट आई, तो इसमें कौन सच्चा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हमारा महकमा माहौलियात? देखिए हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज कल मैंने देखा था वो 240 था पीएम 2.5 पे, आज वो 199 था। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि एक लेवल आपका 300 का है जो क्रिटिकल लेवल होता है, उससे नीचे जो है उसमें स्मॉग जरूर है क्योंकि आपकी जो नॉर्मल है वो उससे बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ये बहुत बेहतर है पिछले सालों से और उसकी वजह यही है कि ये यहाँ पर ये सारे इकदाम किए गए हैं और हमने इसको मजीद नीचे लेकर आना है। हमारी हुकूमत एक ट्रांसपेरेंट हुकूमत है, हमने वो ना चलाते मशीनरियाँ तो क्या फर्क पड़ना था, हम भी छुपाए रखते उसको, लेकिन वो चीज़ हम सामने ले आए हैं, अब आपके सामने है वो रिलायबल डेटा है। बाकी ये हैंडल इसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं अभी बैठे रहते इस कमरे का क्या माहौल है, बाहर का क्या है, लेकिन वो लाहौर की इक्कासी नहीं करेगा, लाहौर की इक्कासी सिर्फ पॉइंट सोर्सेस कर सकते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस से उसकी ट्रैवलिंग का अपना तरीका होता है। हमारा जो अभी तक जो दुनिया भर में तब्दीली आई है कि यूक्रिप्टस को इस तरह ही कहता है मेडिकल वाटर कवरिंग डिजाइन पर प्लान, जो कि जब पहले ही पाकिस्तान में पानी का वो घाटे का शिकार है तो अभी भी करोड़ों प्राण लगाए गए हैं, अभी भी जो कंप्लेन आती जा रही है जो बिलियन ट्रीज वाली में भी, और जो सॉरी इसमें कोई ये इसको बदला नहीं जा सकता कि वो प्राण लगाए जाए जो फ्रूट प्लांट हो और सेकेंडरी जो है वो उनकी कनोपी हो जो कि इंडिजिनस स्पीशीज वैरायटीज हो जो कि पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन इसके बावजूद भी इस दौर में बहुत सारे यूक्रिप्टस के प्लांट लगाए गए करोड़ों केपी में भी पंजाब में भी हर जगह, जबकि ये दुनिया में जिसका नहीं किया जा रहा है। ये हाँ जी बिल्कुल, ये आपने जो प्लांट की वैरायटीज बताया हमारे जो 10 मिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे जनवरी फरवरी में उसका हम पूरा लॉन्च करेंगे सही तरीके से, उसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, सारे प्रोविंसेस ने अपना अपना टारगेट लिया, पंजाब ने भी अपना टारगेट उसमें लिया हुआ है और उसके अंदर यूकेलिप्टस की प्लांटेशन बहुत मिनिमल होगी और बाकी जो इंडिजिनस वैरायटीज हैं यूकेलिप्टस का फायदा सिर्फ वाटर लॉक्ड और सेलाइन एरियाज में होता है, लेकिन हाँ लेकिन जो शहर के इलाके हैं उसके अंदर हम इंशाल्लाह आप देखेंगे जो इंडिजिनस वैरायटीज है वो लगाई जाएगी। पिछले हफ्ते मेरी यहाँ पर जो वॉलंटियर्स से मीटिंग हुई थी लाहौर के अंदर ही, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वॉलंटियर्स ने पूरी मैनुअल बनाया हुआ था प्लांट्स का, जो कि कौन सा प्लांट लाहौर के लिए मौजूद है, क्यों मौजूद है, किस एरिया के लिए कौन सा प्लांट है अपने तरफ से, तो वो मैंने अपनी गाड़ी में रखा हुआ है और वो इंशाल्लाह हम बेहतरीन और इंडिजिनस प्लांट्स लगाएंगे इस 10 मिलियन ट्री मुहिम में। उसमें कोई बड़ी बेजाबियां नहीं है, वो उसके ऊपर सारा उन्होंने चेकिंग की है, तकरीबन 14-15 अरब रुपए का वो मंसूबा था जिसमें से कुछ लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिन्होंने कहा कि इसकी कीमत जो है वो सही नहीं थी, तो वो इंशाल्लाह उस पर क्लियर हो जाएगा, वो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो वाइड मंसूबा है दुनिया का जो दुनिया ने जो उसको एक्सेप्ट किया है और दुनिया ने इसको ना सिर्फ एक्सेप्ट किया एक्नॉलेज किया है इसको। आप अभी मैं जब पोलैंड गया हुआ था जहाँ पर दुनिया के लीडर थे, इवन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने इस प्रोजेक्ट की बात की है, उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है,
और वहां पर जिससे बात करो वो बिलियन की सलामी की बात करता है। तो ये प्रोजेक्ट एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक मुख्तलिफ पहचान दुनिया में इसने बनाई है प्रोजेक्ट ने, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 10 बिलियन की सुनामी, तो इंशाल्लाह उससे बेहतर एक पहचान बनेगी पाकिस्तान। ये लाहौर के अंदर अर्बन एरिया में भी है और रूरल एरिया में भी, इसमें एक बहुत बड़ा हमें ओपनिंग मिली है कि तकरीबन 2500 एकड़ जो है वो ननकाना साहब के अंदर बागुजार कराया गया है कब्जा माफिया से। नून लीग के कोई एमपी थे जो कि 2500 एकड़ के ऊपर बैठे हुए थे, उनकी वो जमीन ले ली गई है। उधर हम तकरीबन आप समझ लें एक और छांगा मांगा हुआ बनने जा रहा है और उसके लिए पूरी प्लानिंग है। वो इंशाल्लाह आपको पूरा टारगेट जो है उसका डिटेल बताएंगे। वो हमने तमाम प्रोविंसेस से पूछा है कि ये 10 अरब से आप किस तरह कितना हिस्सा उठा सकते हैं। वो प्रोविंसेस ने हमें PC1 बना के भेज दी, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उसकी डिटेल बताएंगे कि अगर पंजाब ये टारगेट लेता है उसमें से कितना लाहौर में आ रहा है, कितना करालों पे लगेगा, कितना प्लांटेशन में लगेगा, वो उसका पूरा रेशो, उसका तरीकाकार, वो सारा डिटेल इंशाल्लाह आ जाएगा। इलेक्ट्रिक कार वाला जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मनसूबा है और ये इसके लिए हमने इनिशियल थिंकिंग अभी स्टार्ट की है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो जो हमारे बाहर से इंटरनेशनल ऑल्टरनेट एनर्जी एजेंसी के हेड आए थे, उन्होंने बताया कि ये आप इस पर मैं आपको बता के दूंगा पूरी स्ट्रेटेजी, और आपके पास चांस है पाकिस्तान में कि आप एक बुरी टेक्नोलॉजी से तमाम उस रास्ते से ना गुजरे जिससे बाकी मुल्क गुजरे, बल्कि छलांग लगा के आप अगली सदी के मुकाबले में पहले बन गया। क्या बनता है रिक्शा? हाँ अच्छा, जो बैटरी चलने वाला है उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें असल चीज बैटरी है। असल चीज जो बैटरी है वो दुनिया में ऐसी बैटरियां ईजाद हो रही है जो कि उसको ज्यादा देर तक चला सकती है, तो वो उस बैटरी को लेना, फिर कोशिश करना है पाकिस्तान में बैटरी बनाई जाए, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के नाम से निकला होती कॉलेज की शाखा थी, एक कोई कार्टून फॉरेस्ट बनाता था, उसमें ये बहुत बड़ी कोई प्लान था कि शेडी तो कहां तक पहुंचा है, क्या उसको कंटिन्यू रखेंगे, कि ये बड़ी जमीन है उसमें होती चलेगी। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हम तो नेचुरल फॉरेस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं होगी, नहीं वो नेचुरली वो एग्जिस्ट करता है, बराबर के जंगल इंशाल्लाह ननकाना साहब। अच्छा, मैन मेड फॉरेस्ट वो आपका जो ये ननकाना साहब करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो चांगा मारा के बराबर होगा। इसी तरह हमने पिशावर में जब बिलियन की सुनामी की थी तो हमने 4 ऐसे जंगल बनाए थे जिन्होंने पिशावर को घेर लिया था, और अब वो जंगल जो है वो बन चुके हैं। हमें गढ़ी चंदन है, 2-3 और जगह हैं, उसकी वजह से जो प्रदूषण आस पास की होती है उसको भी रोकते हैं वो जंगल। बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी, जिन्होंने बर्फ देखी उनको बर्फ भी दिखा दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर कर रहे हैं हम काम, और वो इंशाल्लाह उस पर हमारे ऑलरेडी कुछ लॉज मौजूद है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, और उनको भी देख रहे हैं ताकि उनको मजीद अगर बेहतर बनाना है। जो रूरल आपकी जमीन है, जो आपकी ज़रिए राजी है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अर्बन एरिया बगैर किसी प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग के, तो इंशाल्लाह उसको वो बड़ा अहम मसला है, क्योंकि ये आप ना सिर्फ उससे अपनी ब्रेड बास्केट को खत्म कर रहे हैं बल्कि उसको गलत दौर पर उसको इंशाल्लाह आप देखेंगे। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से वो इंडिया में असल में ये हुआ कि जब ये रुख मुड़ा है तो वहाँ पे जो इंडिया के रूरल पंजाब है उसके मेयर और जो दिल्ली का मेयर, उनके आपस में झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा है लेकिन वो मतलब उसमें अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। जी जी बिल्कुल, सब कुछ नहीं थी मबनी होता, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि जो हम
कर सकते थे, पॉसिबल जो था सब एकदम हम ने उठाए, वो आपके सामने मैंने डेटा के साथ बता दिया है कि हमने क्या क्या किया, और उसमें फिर नियत साहब को तो अल्लाह ताला सुपर प्रोडक्शन लेते हैं, बिल्कुल हमने इसलिए हमने पूरे पूरी प्लानिंग की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माफी दे।